हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के टॉपिक गोपाल एंडा हिल्स ऑफिस में। ये एक कॉमिक है और एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ हनीकॉम के सिलेबस का हिस्सा भी है। चलिए शुरू करते हैं। सीजन ऑफ हिल्स ऑफिस, ये हिल्स ऑफिस का सीजन था और फिशरमैन और हाउस होल्डर्स इसके बारे में हमेशा बातें करते रहते थे, और जो पैलेस के दरबारी थे वो वीसी के बारे में बातें करते थे। द किंग बिकेम एंग्री, तो वहाँ का जो किंग था वो गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया कि यहाँ पर तो सब यही बातें करते रहते हैं। वो इन बातों को सुन सुनकर थक गया था, तो उसने अपना आपा खो दिया। तो उसने गोपाल, जो वहाँ का एक वाइज मैन था, कोर्टियर था, उसको चैलेंज दिया कि तुम एक बड़ी हिल्स ऑफिस खरीदो और उसे पैलेस में लाओ, और कोई उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहना चाहिए। फिर गोपाल ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद गोपाल ने अपने फेस को हाफ शेव कर लिया, अपने चेहरे पर उसने राख लगा ली और उसने फटे कपड़े पहन लिए। वो एक पागल आदमी के जैसे दिख रहा था, और वो मार्केट गया और उसने एक बड़ी हिल्स ऑफिस खरीद ली। देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि गोपाल ने क्या क्या कर लिया था। इन द वे, रास्ते में हर कोई उसी की तरफ देख रहा था। कुछ कह रहे थे, कुछ उसके बारे में हंस रहे थे, कुछ कह रहे थे कि ये कोई पागल आदमी है। वो दरबार के दरवाजे पे पहुंच गया, लेकिन सोल्जर्स ने उसे रोक लिया। ही स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग, उसने जोर जोर से डांस करना शुरू कर दिया। हर कोई उसी की तरफ देख रहा था। वो सॉन्ग का जो आवाज़ थी वो किंग के महल तक पहुंच गई, और किंग ने कहा कि इसको अंदर लाओ। फिर गोपाल को किंग के सामने लाया गया। कुछ कह रहे थे कि वे पागल, और कुछ कह रहे थे कि वो जोकिंग कर रहा है। फिर गोपाल ने अपना चैलेंज याद दिलाया। गोपाल ने कहा कि हर कोई उसकी अपीयरेंस के बारे में बात कर रहा है, कोई हिल्स ऑफिस के बारे में बात नहीं कर रहा, या तो मार्केट में, दरबार में भी। और किंग को अपना चैलेंज याद आ गया। उसने गोपाल को कंग्रेचुलेट किया इस इम्पॉसिबल थिंग को करने के लिए। अब चलिए एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। व्हाई द किंग Not wanted talking about hills of his. The king didn't want any more talk about hills of his because it was season for hills of his, and no one could stop talking about it for 5 minutes. He was getting annoyed with the all of the talk about hills of his. वह और बातें नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही थी और ये हिल्स ऑफ हिस का सीजन था। तो वो पांच मिनट तक नहीं थकते थे उसके बारे में बात करने के लिए। तो वह इससे वह ऊब गया था, उससे वह थक गया था, इसलिए वह नहीं चाहता था इसके बारे में टॉकिंग। व्हाट वाज सेड टू गोपाल टू प्रूव हिज विजडम, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर, गोपाल वाज आस्क्ड टू बाय अ ह्यूज हिल्स ऑफ हिस एंड ब्रिंग इट इनटू अ पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग एनीथिंग अबाउट इट। गोपाल को क्या कहा गया था अपनी बुद्धिमत्ता को सिद्ध करने के लिए? उसे यह कहा गया था कि एक बड़ी हिल्स ऑफिस खरीदो और कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वर्क गोपाल डिड बिफोर बाइंग हिल्स ऑफिस, गोपाल ने क्या काम किए हिल्स ऑफिस खरीदने के पहले? उसने पहले अपना चेहरा हाफ शेव कर लिया, अपने चेहरे के ऊपर राख छिड़क ली और रैक्स यानी कचड़ा पहन लिया। गार्ड्स ने उसको
अपने पैलेस जो महल था उसमें आने शुरू होगा। तब गोपाल ने क्या किया, गोपाल जब पहुंचा तो गार्ड्स ने उसे रोक लिया। तब वो डांस करने लगा और नाचने लगा। राजा ने उसकी बात सुनी और उसको बुला लिया। Why no one was interested in Jarvis? कोई इंटरेस्टेड क्यों नहीं था? No one seemed to be interested because Gopal had what? A hills of his. No one was interested because of Gopal's funny appearance. लोग गोपाल के फनी अपेरियंस को देखकर हंस रहे थे, उसी के बारे में बातें कर रहे थे, इसलिए हिल्स ऑफ इसको अननोटिस कर दिया था, इसलिए कोई भी हिल्स ऑफ इस पे इंटरेस्टेड नहीं था। चलिए हम अब ट्रू फॉल्स करते हैं। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजली। ये तो फॉल्स है, जब बहुत बातें हो गई तब उसने अपना टेम्पर होया था। गोपाल वाज ए मैड मैन, ये भी फॉल्स है। गोपाल वाज ए क्लेवर मैन, ये ट्रू है। गोपाल वाज टू क्लेवर टू अफोर्ड डिसइन्फ्लुएंस, नहीं ये भी गलत है। द किंग गॉट एंग्री व्हेन सी वाज शोन टू बी रॉन्ग, ये भी गलत है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस अच्छा ही इतना ही। कीप लर्निंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।